फिर कभी कभी इतफाक में अब सच्चाई आएगी गुनगुन के बच्चे के सामने, वैसे ही अब आकृति चलेगी घटिया चांद। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गुनगुन की प्रेगनेंसी का असर जल्द सामने आ जाएगा और यही वजह होगी कि गुनगुन और अनुभव अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करने का फैसला कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, देखने को मिलेगा कि गुनगुन और अनुभव दोनों ही अब अपने रिश्ते को सबके सामने अपनाएंगे अपने बच्चे की खातिर, क्योंकि लुका छिपी का खेल से उसके बच्चे के आने वाले भविष्य पर काफी असर हो सकता है और आकृति को कभी ना कभी सच तो बताना ही है, तो अभी ये परफेक्ट टाइम है। जिसके बाद देखने को मिलेगा कि पूरे परिवार के सामने मुंबई से लौटते ही गुनगुन और अनुभव अपने रिश्ते को अपनाते नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ आकृति अब गुनगुन पर हाथ उठाने वाली है, लेकिन गुनगुन ये खुलासा करते नजर आएगी कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद पूरा परिवार शॉक हो जाएगा। वही गुनगुन को पति का हक मिल चुका है और अब पत्नी का हक मिल चुका है और दूसरी तरफ गुनगुन से अनुभव गुनगुन से ही प्यार करता है, ये सच जानकर आकृति बुरी तरह से जल उठती है। देखने को मिलेगा कि वो गुनगुन को धक्का मारने वाली है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर हादसा होते होते तब टल जाता है जब अनुभव गुनगुन को बचाते नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि गुनगुन के बच्चे को बचाते नजर आएगा अनुभव। साथ में आकृति का ये असली चेहरा देखकर परिवार को भी तगड़ा झटका लगता है कि वो एक प्रेग्नेंट गुनगुन को कैसे इस तरह से धक्का दे सकती है। वहीं पर बुआ की एंट्री होती है और वो भी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तू इन दोनों की जिंदगी से निकल जा, मुझे पता है कि तूने अनुभव को पाने के लिए कौन से चालें चली है। जिसके बाद परिवार भी शॉक्ड हो जाता है कि आकृति की माँ ये क्या कह रही है और बुआ हमेशा सबके सामने माफी मांगते नजर आएगी कि उसकी उसके उसने उसे संस्कार नहीं दे पाई, इसीलिए आकृति ने घटिया चालें चलकर अनुभव को अपने जाल में फंसाया है। ये लायक ही नहीं आपके घर की बहू बनने के। तो यहाँ पर आकृति का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने अब कोई और नहीं बुआ ही लेकर आएगी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आकृति की घटिया चाल की वजह से ससुराल वाले भी आकृति को अब घर से चले जाने के लिए कह देंगे।